दोस्तों, क्या आप चाहते हैं अपने पहेली या स्टोरी चैनल के लिए कार्टून बैकग्राउंड और कार्टून कैरेक्टर इमेज डाउनलोड करना, जिससे आपको कभी भी कॉपीराइट ना लगे? तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हमने 3 वेबसाइटों को देखा है जहां से हम फ्री में नो कॉपीराइट बैकग्राउंड्स और कार्टून कैरेक्टर की इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 1 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे और वह इमेजेस हमेशा के लिए फ्री होंगे। हो सकता है आप इन वेबसाइटों को पहले से ही जानते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको जो इमेज चाहिए वही इमेज मिलेगा, वो भी नो कॉपीराइट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है और वो कौन सी 3 वेबसाइटें हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे। हमारी पहली वेबसाइट है www.pngtree.com। देखिए, यह फर्स्ट लिंक जो हमें दिखाई दे रहा है, हमको इसी पर क्लिक करना है। अब यह pngtree.com का वेबसाइट खुल चुका है। इसमें एक दिक्कत है, आपको किसी भी इमेज को इंग्लिश में टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें एक घर की इमेज चाहिए, तो हम यहाँ पे घर लिखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। देखिए, अगर हम सर्च बार में हाउस लिखते हैं तो हमें घर दिखाई देंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमें घर अनेकों तरह के घर दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें किसी भी इमेज डाउनलोड करने के लिए पहले अपने ईमेल आईडी से साइन इन होना पड़ेगा। जैसे मैं इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यह ऐसे डाउनलोड नहीं होगा जैसे कि हम क्रोम ब्राउजर में किसी भी इमेज को डाउनलोड करते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना पड़ेगा और उससे पहले एक अकाउंट बनानी होगी, जिसमें यह कुछ दिनों के लिए हमें फ्री इमेज देते हैं, उसके बाद ये पैसे लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग में पैसे तो खर्च नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हम इस साइट की हर इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए पहले हम अपने दूसरे वेबसाइट को देख लेते हैं। हमारी दूसरी वेबसाइट है www.freepik.com। देखिए, हमारे सामने फ्री पिक का वेबसाइट खुल चुका है। हम इस पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो फ्री पिक के वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ पर हम बिना अकाउंट बनाए हुए ही इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको जिस चीज की इमेज चाहिए उसकी इंग्लिश वर्ड को टाइप करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम घर को सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पर नो रिजल्ट। अब हम उसी चीज को इंग्लिश में टाइप करते हैं। अब देखिए, हमारे सामने 114,000 घर की इमेज आ चुकी है। अब हमें यहाँ से जो भी इमेज डाउनलोड करनी है, हम सिंपली उस पर एक बार क्लिक करेंगे। देखिए, यह इमेज कुछ ऐसे खुल जाएगा। अब सिंपली हम इसे कुछ सेकंडों के लिए प्रेस करके रखेंगे और हमारे सामने डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, और हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इमेज डाउनलोड होने लगेगा। यह तो रही हमारी दूसरी वेबसाइट। अब चलते हैं अपनी तीसरी वेबसाइट की तरफ। तो हमारी तीसरी वेबसाइट है, हमने सर्च करके पहले से ही रखा है, डॉक्टर स्टॉक। यहाँ पर भी हमें इंग्लिश में ही टाइप करना होगा क्योंकि ये सभी वेबसाइटें फॉरेन कंट्री के हैं। तो हम यहाँ पर भी एक हाउस को सर्च करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आती है। देखिए, जैसे हमने हाउस को सर्च किया, हमारे सामने बहुत सारे इमेज आ चुके हैं। मुझे यह इमेज अच्छा लगा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस पर आपको लोगो देखने को मिलेगा। जब तक हम इसका प्रीमियम वर्जन नहीं लेंगे तब तक हमें लोगो देखने को मिलेगा। इनका कैसे प्लान है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने इमेज के लिए कितने पैसे चार्ज करते हैं और कितने महीने के लिए कितने पैसे चार्ज करते हैं। हमारे तो अभी नए चैनल हैं तो हम पैसे तो खर्च कर नहीं सकते क्योंकि घर वाले भी हमें पैसे नहीं देंगे। तो अब आइए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है जिससे हम इन तीनों वेबसाइटों की इमेजों को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है आपको जिस भी चीज़ की इमेज चाहिए। मान लीजिए मुझे एक कार की इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कार कार्टून इमेज फ्री। सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया है कार कार्टून इमेज फ्री। अब हम इसे सर्च करते हैं। अब हम इसे डेस्कटॉप साइड में कर लेते हैं ताकि हमारे सामने ज़्यादा इमेज शो हो। देखिए, हमारे सामने बहुत सारी कार की इमेज आ चुकी है, लेकिन इनमें कई ऐसे कार हैं जिसे हम यूज करते हैं तो हमारे चैनल पर कॉपीराइट लग सकते हैं। तो हमें उस ट्रिक को देखना है कि हम किस इमेज को डाउनलोड करें कि हमारे चैनल पर कॉपीराइट ना लगे। मान लीजिए हमें इस कार की ज़रूरत है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें ध्यान बस यहाँ रखना है कि यह इमेज किस साइट से अपलोड है। देखिए, यह इमेज pngio.com से अपलोड है।
और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इस इमेज को यूज करने से हमें कॉपीराइट लग सकते हैं, तो हमें इस इमेज को डाउनलोड नहीं करना है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए इस पीले वाली कार को हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है pngtree.com से यह इमेज अपलोड है। आप यकीन से मानिए, अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज करेंगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं लगेगा। मैं यहीं से इमेज डाउनलोड करता हूँ अपने पहेली चैनल के लिए। आप चाहे तो मेरे पहेली चैनल को जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यह इमेज एडोक्टर स्टॉक वेबसाइट से है, लेकिन हमें इनके इमेज को यूज करने के लिए इनके वेबसाइट को क्रेडिट देना होगा। इनके वेबसाइट का लिंक हमें अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो में डालना पड़ेगा, तब जाकर यह आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं देंगे। ऐसा आपको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। देखिए मैं खुद यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, सिंपली आपको इस पर कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना है और आपके सामने एक डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी इमेज डाउनलोड होने लगेगी। देखिए यह भी इमेज उसी वेबसाइट से अपलोड है, मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप हमारे पहेली चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो यह इमेज आपको हमारी पहेली वीडियो में जरूर दिखेगी। बस आपको यही देखना है कि यह इमेज किस साइट से अपलोड है, उसके बाद आप इसे बेझिझक डाउनलोड कीजिए और अच्छी पहेली वीडियोस और स्टोरी बनाइए, आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आपको ये देख लेना है, बस आपको 3 साइट से ही डाउनलोड करना चाहिए, PNGtree, FreePic और एडोक्टर स्टॉक। बस इन साइटों से आप इमेज को डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टोरी और पहली वीडियोस को अच्छे से बनाइए और ग्रोथ कीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इनके पीछे तो वाइट बैकग्राउंड है, तो हम इसे अपने वीडियो में कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है अनलिमिटेड बैकग्राउंड इरेजर। आप यहाँ पर इसका लोगो देख लीजिए, आप इसे डाउनलोड कीजिए। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमें इस इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस इमेज पे क्लिक कर देना है। हम अपने गैलरी में आ जाएंगे, हमने इस कार को डाउनलोड किया था, अब हमें इसे PNG में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम ऑटो पे क्लिक करेंगे और एक क्लिक में हमारी इमेज PNG में हो जाएगी। अब बची है ब्लैक साइड, तो हम इसे मैनुअल पे लाकर यहाँ से ऐसे इरेज कर देंगे बहुत ही आसानी से। अब हम इसे सेव करने के लिए इस साइन पे क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे और बीच पे क्लिक करके ऊपर वाले पे क्लिक करके, देखिए नेट ऑन है इसलिए इस पे एक प्रचार दिखाई जा रही है। देखिए हमारी इमेज PNG में कन्वर्ट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है यह मुझे पता है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।